उत्तरकाशी में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने आज बाढ़ प्रभावित गांव का स्थलीय भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने साड़ा में लंब गांव मोटर गांव को जोड़ने वाले प्रमुख पुल के बहने पर प्रशासन द्वारा पैदल जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए जाने पर रोष व्यक्त किया। वहीं इस बीच विजयपाल सजवाण ने कहा कि यहां भयंकर आपदा से लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि वह पीड़ित परिवारों को अविलंब क्षतिपूर्ति और सहायता राशि जारी करें। उत्तरकाशी से संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। इस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी जिला प्रशासन क्योंकि सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो कल रात भारी बारिश से मांडव गांव और कंकराड़ी में जो जनहानि हुई है, मैं उन दुष्टों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। और निश्चित तौर पर जो तबाही मांडव और हमारे कंकराड़ी गांव और सिरोर और मीराकोट गांव में जो जिनसे कल रात भारी बारिश कारण तबाही हुई, मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन और शासन का तो पूरी तरह से तंत्र फेल रहा है। मैं भी मांडव गांव गया, जिला प्रशासन अभी तक वहां के जिले के सर्वोच्च अधिकारी मांडव गांव में नहीं गए अभी। और अभी मुझे बताया गया कि कंकराड़ी में भी यहाँ जो है शीर्ष जिला प्रशासन अभी जो है 12 घंटे के बाद पहुंच रहा है। तो इसे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार जिला प्रशासन कितना आपदा के प्रति और इस कितना संवेदनशील है ये देखा जाता है। लेकिन इस आपदा की घड़ी में हम सब साथ होकर आपदा प्रभावित लोगों के जिनके घर टूट गए, जिनके खेत बह गए, जिनके यहाँ जनहानि हो गई, हम सब लोग उनके साथ हैं। और मैं शासन और सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि तत्काल आपदा प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का कार्य करें और प्रभावितों को तत्काल राहत राशि घोषित करें जो प्राथमिक राहत राशि होती है और बिजली पानी और जैसी व्यवस्थाओं को तत्काल बहाल करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस ढंग से यहाँ पर जो मैं कभी भ्रमण कर रहा हूँ, भी मांडव गांव में आज भी मैं कंकराड़ी गांव में आ रहा हूँ, तो इसे लगता नहीं कि शासन और सरकार जो है मुस्तैद होगी। मुझे टोटल फेलियर लग रहा है कि इस प्रकार की अगर ये आपदा आई और अभी बरसात पहली बरसात है, पहली आपदा और अभी पूरा आपदा बरसात का सीजन है और हमारी कोई आपदा के तौर पर कोई तैयारियां नहीं है। मैं लेकिन इस समय हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इस समय हम सब लोग मिलकर आपदा प्रभावित लोग, मैं और मेरे कांग्रेस परिवार के लोग, हम सब उन पर आपदा प्रभावित लोगों के साथ हैं। मुझसे भी जो मदद होगी, मेरे हम संगठन की तरफ से लोगों की मदद करने के लिए राजनीति तैयार है।